मित्रों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। दोस्तों, अधिक मास शुरू हो चुका है आज से, और भूले से भी अधिक मास में क्या काम नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इस बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और आपको मैं बताऊंगा कि शुभ कार्यों पर इस अगले 30 दिन क्यों रोक लगती है, शुभ कार्य क्यों वर्जित बताए गए हैं अधिक मास में, अधिक मास का नाम अधिक मास क्यों पड़ा, या इसको मल मास क्यों कहते हैं, या इसको पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं, ये भी बताऊँगा। अधिक मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और किन चीज़ का दान करना इसमें सबसे ज़्यादा पुण्य दिलाता है, इस बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस साल अधिक मास में जो है 160 साल बाद बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इसके बाद ऐसा संयोग साल 2039 में 2039 में बनेगा दोबारा। इस साल ये संयोग है कि लीप ईयर और अश्विन मास का अधिक मास दोनों एक साथ आए हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर 3 साल में एक बार अतिरिक्त महीना जुड़ जाता है, जिसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। सूर्य वर्ष 365 दिन और 6 घंटे का होता है, वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर आता है, और हर साल घटने वाले 11 दिनों को अगर जोड़ा जाए तो लगभग ये एक महीने के बराबर की तिथि की अवधि आती है। इसी अंतर को बराबर करने के लिए, इसी अंतर को पाटने के लिए, इस गैप को भरने के लिए हर 3 साल में एक बार चंद्रमास अस्तित्व में आता है, जिसे हम अधिक मास के नाम से जानते हैं। इस बार अधिक मास 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रहेगा। अधिक मास को पहले बहुत अशुभ माना जाता था, बाद में श्री हरि यानी भगवान श्री विष्णु ने इस मास को अपना नाम दे दिया। हुआ ये था, इसके पीछे कहानी ये थी कि जब अधिक मास की बात आती है तो अधिक मास को बहुत ही बुरा मानते हैं, इसीलिए इसको मलिच्छ मास कहा जाता है, मल मास भी इसका नाम है, गंदा निकृष्ट माना जाता है, क्योंकि ये 13वां महीना होता है। तो जो अधिक मास था वो सारे देवी देवताओं के पास जाता है, भगवान भोलेनाथ से कहता है कि प्रभु मेरी क्या गलती थी, मुझे इतना मलिच्छ क्यों बताया गया, इतना निकृष्ट क्यों बताया गया। तो उन्होंने कहा कि भाई इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, आप भगवान विष्णु के पास जाइए। तो भगवान विष्णु के पास जा करके जब वो अपनी पीड़ा कहता है, अपनी शिकायत कहता है, तो भगवान विष्णु कहते हैं कि देखिए, अगर आपको सब लोग इतना मलिच्छ मानते हैं, इतना अशुद्ध मानते हैं, जिसको मल मास कहा गया, आपका नाम जो है मल मास दिया गया, तो आज से मैं आपको अपना नाम देता हूँ, आपको आज के तिथि के बाद से पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा, और ये पूरा महीना पूजा पाठ तपस्या का महीना होता है। इस महीने में आपको जो है भगवान विष्णु के सारे गुण जो है भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम मास को दे दिए, और उस दिन से फिर इस तिथि का नाम, इस पूरे मास का नाम जो है वो पुरुषोत्तम मास पड़ गया। इस मास में भगवान विष्णु के सारे गुण पाए जाते हैं, और इस मास में पूजा जप तप और दान का, तपस्या का बहुत ज़्यादा नियम है। इसीलिए बहुत सारे लोग इस मास में राम कथा का मास पारायण करते हैं या भागवत कथा का श्रवण करते हैं, तो उसका बड़ा अच्छा आपको फायदा मिलता है। लेकिन इस दौरान आपको किसी भी शुभ और विशेष कार्य को करने से बचना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से कार्य इस दौरान वर्जित बताए गए हैं। इस मास में विवाह का आयोजन जो है वो वर्जित बताया गया। इस समय अगर विवाह किया जाए तो न तो भावनात्मक सुख मिलेगा और न ही शारीरिक सुख पति पत्नी को प्राप्त हो पाएगा। पति पत्नी के बीच अनबन रहेगी, तनाव की स्थिति रहेगी और घर में सुख शांति का वास नहीं रहेगा। अगर विवाह करना है तो अधिक मास के बाद ही शुभ मुहूर्त देख करके, जब देव उठ जाते हैं उसके बाद ही करना चाहिए। इस अवधि में किए गए कार्यों के मांगलिक परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, तो अगर कोई मांगलिक काम करना है तो वो आपको बचना चाहिए। इसलिए अधिक मास या मल मास में मुंडन करना, कर्णवेद करना या कोई भी संस्कार करना, गृह प्रवेश आदि जो है उससे आपको बचना चाहिए। इस महीने में कोई भी गृह प्रवेश आदि वगैरह नहीं करना चाहिए। इस महीने में कोई भी संपत्ति का क्रय या फिर विक्रय, खरीदना और बेचना, खासतौर पर प्रॉपर्टी खरीदना बेचना जो है उससे आपको बचना चाहिए। ऐसी संपत्ति भविष्य में आपको नुकसान करवा सकती है।
नया व्यापार व्यवसाय या नया कार्य आरंभ करने से बचना चाहिए। मलमास में नया व्यापार आरंभ करना आर्थिक मुश्किलों को जन्म देता है, इसलिए नए काम, नई नौकरी या बड़ा निवेश करने से इस दौरान आपको बचना चाहिए। अन्य मांगलिक कार्य जैसे मुंडन हो गया, कर्णवेद आदि हो गया, ये इस दौरान वर्जित माने जाते हैं। विवाह आदि जैसे मैंने बताया, या गृह प्रवेश वगैरह, घर बनाने की शुरुआत करना, ये सब सारी चीज़ें बचनी चाहिए, क्योंकि इस अवधि में किए गए कार्यों से संबंध के खराब होने की स्थिति, रिश्तों के खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इस समय नए मकान का निर्माण और संपत्ति को खरीदने बेचने से भी बचना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि इस अवधि में किए गए शुभ कार्यों में बाधाएं और विघ्न उत्पन्न होती है। घर में सुख शांति का बना रहना इस दौरान बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो अधिक मास के बाद कोई शुभ मुहूर्त देख करके आपको खरीदना चाहिए। अधिक मास में भौतिक जीवन से संबंधित कार्य करने की मनाही शास्त्रों में बताई गई है। इसके अलावा मांगलिक कार्य करने की भी मनाही होती है। हालांकि जो कार्य पूर्व निश्चित है वे पूरे किए जा सकते हैं। जो आपने पहले से प्लानिंग कर रखी थी, या किसी प्रॉपर्टी की डीलिंग वगैरह के लिए आपने पहले से कोई टोकन वगैरह दे रखा था, तो उस काम को फिर आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसकी शुरुआत अधिक मास के पहले कर रखी है। तो ये तो बात हो गई कि क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि क्या करना चाहिए। इस माह में व्रत, दान, पूजा, हवन, ध्यान करने से पाप कर्म नष्ट होते हैं और किए गए पुण्यों का फल कई गुना अधिक बढ़कर के प्राप्त होता है। देवी भागवत के अनुसार मलमास में, अधिक मास में, या जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, इस दौरान किए गए शुभ कार्य जो है, पूजा पाठ वाले, जो मांगलिक पूजा पाठ वाले शुभ कर्म हैं, इसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। तो जो भी आप पूजा पाठ का शुभ कार्य करते हैं उसका आपको फल मिलता है। इसके अलावा कोई भी संस्कार से संबंधित शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस माह में भागवत कथा का श्रवण करना भी अपने आप में बहुत महत्व रखता है, या फिर आप रामचरितमानस आदि का भी मास पारायण कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास में तीर्थ स्थलों पर स्नान का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया। और कोई व्यक्ति अगर कोई भी पूजा पाठ नहीं कर पा रहा है, तो इस महीने में दान का बहुत ही विशेष महत्व है। और दान भी ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, दान के लिए भी बहुत सेलेक्टिव चीज़ें, बहुत खास चीज़ों का इसमें महत्व होता है। सबसे पहले तांबे के पात्र का, केले के फल का, और उसके साथ साथ मालपुए का दान इस पूरे महीने में बहुत ही विशेष माना जाता है। तो हम लोगों ने अक्सर अपने जीवन में देखा है कि बड़े बड़े सेठ महाजन जो है, तांबे के पात्र में, तांबे के प्लेट में मालपुआ और उसके साथ फल रख करके, केले का फल रख करके, दक्षिणा, वस्त्र और अन्न के साथ ब्राह्मण को दान करते हैं। इसका महत्व हमारे शास्त्रों में सबसे ज़्यादा बताया गया। तो अगर आप कोई भी काम न कर सकें, मलमास के जो नियम है पूजा पाठ के, अगर आप उसका पालन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में आप केले का, तांबे के पात्र का और मालपुए का कुछ दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को दान करके लाभ ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये जानना चाहा कि क्या मलमास के पूरे 30 दिनों में हमें व्रत करना चाहिए। तो ऐसा कोई नियम हमारे शास्त्रों में नहीं है। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम है, जो करना चाहता है, उसके लिए मनाही भी नहीं है शास्त्रों में। व्रत वगैरह करना तो बहुत अच्छा होता है, अगर आप कर सकते हैं, आपका शरीर आपको आज्ञा देता है, तो आपको करना चाहिए। अन्यथा व्रत की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप नियम से अपना पूजा पाठ का कर्म करते रहें, उससे आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि शास्त्र से संबंधित बातें, ज्ञान की बातें जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं, वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं, तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव वन। नमो नारायण। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997241। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, shama.vaibhava@gmail.com पर।
इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं, ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।